हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लेसन 1 पढ़ रहे हैं, उसके आगे का पेज है। आपने अपना यो बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक खोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। यानी कि उन बैलों को बेच दिया गया और उन बैलों के मन में ये चल रहा था कि जाने बेचे हैं या नहीं बेचे हैं। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हमें हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। अगर उसको बोली आती तो वो कह देते मालिक को कि आप मेरे को क्यों बेच रहे हो, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। अगर आपने जो मेहनत की अगर उसमें भी आपको कम लग रहा था तो और करवा लेते। अगर इतनी मेहनत और करवा लेते और काम ले लेते, हम तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। यानी कि हमें तो आपको घर पे ही मर जाना मजबूर यानी कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, कि हमने आपको कभी दाने पानी की शिकायत की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, कि आपने जो भी खिलाया वही हमने सिर झुका के खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया, यानी इस चोर इस कायर के हाथों हमें क्यों बेच दिया। सहंदे समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे, दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। यानी तब भी उसको चारा डाला तो दोनों में से एक ने भी मुंह नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था, यानी जैसे हम आप दूसरी जगह पे जाते हैं ना, वैसे ही उनका भी दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगाते थे। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को न कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे तुड़ा डाले कि गांव के सब लोग सो गए थे, तब दोनों ने पगहे यानी पग पैर बंधे हुए थे, पैरों को दोनों को तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। जहाँ वो जूरी के घर से आए थे ना, उसी तरफ चल पड़े। पगे बहुत ही मजबूत थे, यानी उसके पैर इतने मजबूत बांध रखे थे कि कोई तुड़ा न पाए। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, कि उसको जो लेके गया था ना, उसको तो अनुमान ही नहीं था कि ये तुड़ा के चले जाएंगे। पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी, कि इस समय उनको क्रोध आ रहा था तो उनमें से दूनी शक्ति आ गई। एक एक झटके में रस्सियाँ
टूट गई। एक झटके में उन रस्सियों को तोड़ दिया। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े, चरनी यानी गेट पर खड़े। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। गराव यानी दोनों के आधी आधी रस्सी लटक रही है। घुटनों तक पांव हैं दोनों की गर्दनों में, हाँ कीचड़ से भरे हैं। और दोनों की आंखें में विद्रोह में है, सन्हे झलक रहा है, यानी दोनों को क्रोध आ रहा है। कीचड़ में उनके पैर संडे हुए हैं। जूहरी बैलों को देखकर सने से गदगद हो गया, यानी जूहरी उन बैलों को देखा और वो इतना खुश हो गया कि वो अपने मन को संभाल नहीं पाया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया और प्रेम लिंगन और चुम्बन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। यानी उनसे प्रेम से बात गले लगाया, उनसे पुचकारा, उनकी ओर दया दिखाया। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा कर उनका स्वागत करने लगे। सारे गांव के इकट्ठे हो गए लोग और उनका स्वागत किया, किसे ताली बजा के उनका स्वागत किया। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी, यानी कि गांव की ये घटना उन्होंने इतिहास में साबित कर दी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। एक बाल यानी कि अपने घर से इनको स्वीकार, इनको पुरस्कार देना होगा। तो कोई रोटी लेकर आया, कोई चारा लेकर आया, कोई गुड़ लेकर आया, कोई भूसी, जो भूसी निकलती है ना आटे में, वो लेकर आया। एक बालक ने कहा ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने कहा समर्थन किया इतनी दूर से दोनों अकेले चले आ गए। तीसरे बोला बैल नहीं है, वे उस जन्म में आदमी हैं, इनका प्रतिवादन करने का किसी को साहस न हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, यानी कि उसके भाई के पास ही तो उन्होंने बेच दिए थे, तो जैसे ही वो स्त्री ने देखा उसकी ने और वो जल उठी, बोली कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन वहाँ काम न किया, भाग खड़े हुए। यानी कि ऐसे बैल मैंने कभी नहीं देखे कि एक दिन भी उसके पास काम नहीं किए, ऐसे नमक हराम ये बैल है। इससे आगे की कहानी हम कल पढ़ेंगे। इसको बार बार राइट लर्न करना, इसको लर्न करना है, राइट नहीं करने हैं। इसके क्वेश्चन आंसर इसी में से राइट करेंगे। थैंक यू।